वैदिक ज्योतिष और पूर्वी संस्कृति आम तौर पर मानती है कि हम पुनर्जन्म के चक्र में हैं। मान्यता यह है कि मनुष्य के रूप में हमारी रचना के किसी बिंदु पर जब हम सांसारिक जीवन में आए और माया की स्थिति में आ गए तो हम अपनी आध्यात्मिक जड़ों से अलग हो गए। माया भ्रम का आवरण है। माया की स्थिति के माध्यम से केवल विशुद्ध रूप से भौतिक और कामुक क्षेत्र ही वास्तविक लगते हैं। पुनर्जन्म के कई जन्मों में हम सपनों और इच्छाओं का पीछा करते हैं और कई अलग अलग स्थितियों का अनुभव करते हैं, जब तक कि अंततः हमें एहसास नहीं होता कि सच्ची स्थायी खुशी वास्तव में इन विशुद्ध भौतिक क्षेत्रों में मायावी है। सब कुछ मर जाता है, मुरझा जाता है और बदल जाता है, ताकि भले ही हमें क्षणभंगुर खुशी और सफलता के क्षण मिलें, लेकिन इसे बनाए नहीं रखा जा सकता है। लक्ष्य पीछा करने के कई जीवन काल के बाद अंततः भौतिक दुनिया से मोहभंग होने लगता है और हम शुरुआत करते हैं सच्ची खुशी और संतुष्टि पाने के लिए वैकल्पिक तरीकों की तलाश करने पर माया का पर्दा उठने लगता है। इससे हमारी आंतरिक यात्रा की शुरुआत होती है और सच्ची शांति और स्थायी खुशी की खोज होती है और परिणाम स्वरूप हम उन आध्यात्मिक क्षेत्रों से पुनः जुड़ जाते हैं जहाँ से हम आए थे। यह सांसारिक इच्छा को त्यागने और माया के अंधेरे से बाहर आने और आत्मज्ञान के मार्ग पर आने की ओर ले जाता है, ताकि निर्वाण की आनंदमय स्थिति और पुनर्जन्म के अंतिम लक्ष्य तक पहुंचा जा सके। इस जीवन का उद्देश्य वैदिक सिद्धांतों के अनुसार ज्योतिष चार्ट के विश्लेषण के अलावा चार्ट के घरों को चार मुख्य समूहों में विभाजित किया जा सकता है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इनका विश्लेषण किसी व्यक्ति विशेष के जीवन के मुख्य उद्देश्य के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दे सकता है। धर्म कर्तव्य और जिम्मेदारी है। आप में से जिनके वैदिक ज्योतिष चार्ट में कई ग्रह धर्म भाव में हैं, वे अपने परिवार, सहकर्मियों और समाज के प्रति कर्तव्य और जिम्मेदारी की मजबूत भावना महसूस करेंगे। आप में से जिनके इन घरों में कोई ग्रह नहीं है, उन्हें कर्तव्य की समान भावना महसूस नहीं होगी। अर्थ धन है। आप में से जिनकी कुंडली के अर्थ भाव में कई ग्रह हैं, उन्हें पैसा कमाने की तीव्र आवश्यकता महसूस होगी। आप एक महत्वाकांक्षी उद्यमी हो सकते हैं, चाहे आप छोटे या बड़े व्यवसाय में काम कर रहे हों। आपकी मुख्य प्रेरणा एक मजबूत भौतिक आधार बनाना है। यह आपकी विकासवादी प्रक्रिया का एक आवश्यक हिस्सा है, क्योंकि आपको लगता है कि वित्तीय सुरक्षा आपकी खुशी सुनिश्चित करेगी। यह निश्चित रूप से सच है कि भूखे रहने की तुलना में भरपूर भोजन आदि करना अधिक आरामदायक है। आप में से जिनके अर्थ भाव में बहुत कम या कोई ग्रह नहीं है, उन्हें पैसा कमाने में बहुत कम रुचि होगी। काम, यह कर्म नहीं है, इच्छा है। आप में से जिनकी कुंडली के काम भाव में कई ग्रह हैं, उनका स्वभाव उच्च इच्छा वाला होगा। आप अपने जीवन में ढेर सारा उत्साह और आनंद चाहेंगे। आप जीवन में साहसी और जोखिम लेने वाले होंगे। इन घरों में कुछ ग्रह होने का मतलब यह होगा कि आप संवेदी इच्छाओं या अत्यधिक उत्साह की आवश्यकता से प्रेरित नहीं हैं। मोक्ष ज्ञान है। आप में से जिनके मोक्ष भाव में कई ग्रह हैं, वे दृढ़ता से गैर सांसारिक मामलों पर ध्यान केंद्रित करेंगे या अपने जीवन के किसी चरण में शारीरिक कारावास का अनुभव कर सकते हैं। आपको अवचेतन या आध्यात्मिक ज्ञान और अनुभवों को देखने में रुचि हो सकती है। हालांकि ग्रहों की यह व्यवस्था आध्यात्मिक खोजों के लिए अच्छी है, फिर भी आप सांसारिक और व्यावहारिक मामलों पर काफी ध्यान केंद्रित नहीं कर पाएंगे। इन घरों में कुछ या कोई ग्रह नहीं होने का मतलब यह होगा कि भले ही आपके पास अभी भी धर्म या आध्यात्मिकता की भावना हो, लेकिन इस जीवन में मोक्ष आपका प्राथमिक लक्ष्य नहीं होगा। क्योंकि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष हम सभी के जीवन में मजबूत प्रेरक शक्तियां हैं, हम सभी के कर्म के अनुसार इनका एक अनूठा संयोजन होगा जो हमारे प्रत्येक जीवन को एक विशेष झुकाव देगा, जहाँ तक जीवन उद्देश्य का सवाल है। वैदिक प्रणाली में इन विशिष्ट समूहों को बिना किसी निर्णय के देखा जाना चाहिए, क्योंकि पुनर्जन्म चक्र में हमारे विकास के कुछ चरण में हम सभी को प्रत्येक क्षेत्र को पूरी तरह से अनुभव करने की आवश्यकता होगी, इससे पहले कि हम अंतिम मोक्ष चरण पर अधिक पूरी तरह से ध्यान केंद्रित करने के लिए तैयार हों।
इसलिए वैदिक प्रणाली और भारतीय संस्कृति में प्रत्येक चरण की अपनी योग्यता है। धर्म परिवार और समाज के प्रति कर्तव्यनिष्ठ रहना अच्छी बात है। अर्थ अपने और अपने परिवार के लिए वित्त और सुरक्षा प्रदान करना और उन सुविधाओं का आनंद लेना अच्छा है जो पैसे से खरीदी जा सकती हैं। काम, आप जो कर रहे हैं उसका आनंद लेना और लक्ष्य एवं महत्वाकांक्षाएं रखना अच्छा है। मोक्ष, इच्छाओं और आसक्तियों को त्यागना और अपने निर्माता के साथ फिर से जुड़ना अच्छा है। हम में से अधिकांश लोग जीवन में इन गुणों के संयोजन का अनुभव करेंगे, कुछ जीवन में विशेष अवधियों में अधिक उभरे हुए होंगे। उदाहरण के लिए, आप अपने जीवन में लगातार इच्छाओं और महत्वाकांक्षाओं से अवगत हो सकते हैं, भले ही वे लगातार बदल रही हों। भारतीय नजरिए से देखा जाए तो ज्यादातर लोगों की जिंदगी कुछ ऐसी ही चलती है। ऐसे और भी सनातन इतिहास वीडियो के लिए सनातन संसार AI की सदस्यता लें।